हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनर्स इट्स कंपाउंडर। तो एक बार फिर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम है CMS इन्फो सिस्टम। तो CMS इन्फो सिस्टम कैश मैनेजमेंट इंडिया की कंपनी है। कंपनी का थोड़े दिन पहले ही IPO आया था, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जो कंपनी का IPO साइज था वो भी पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स का देखा जाए तो अच्छा रिस्पांस नहीं था कंपनी के IPO को लेके। लेकिन आज हम इस कंपनी के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई है विद 2% प्रीमियम। तो अगर हम देखें कि जब इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो 2% प्रीमियम के साथ लिस्ट होना कंपनी में खुद ब खुद बताता है कि कंपनी को कहीं ना कहीं हमें अब थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और देखना चाहिए। तो कंपनी आज लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। जो पहला आज स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो कंपनी लिस्ट हुई है वो हुई है 218.50, यानी कि 216 रुपये जो है इसका इश्यू प्राइस था। तो 2% प्रीमियम के साथ जो है कंपनी आज लिस्ट हुई है, 218.50 अप बाय 1.15%। तो 1.15% ओवरऑल जो है कंपनी अपने इश्यू प्राइस से जो है लिस्ट हुई है आज। उसके बाद बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे आज जो हुआ है, तो इंट्राडे में आज राइज हुआ है इसका स्टॉक प्राइस 260 रुपीज, यानी कि 218.50 पे कंपनी लिस्ट हुई थी। और इंट्राडे की बात करें तो कंपनी का जो प्राइस है 260 रुपीज तक गया है, यानी कि राइज आया है इसमें 20.37% का। तो 20.37% कंपनी ने आज गेन किया है, कंपनी के स्टॉक प्राइस ने आज गेन किया है ऑन BSE। उसके बाद बात करते हैं NSE की। तो NSE पे आज कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो राइज हुआ है 19.2% से, यानी कि कंपनी का प्राइस जो है इंट्राडे की बात करें तो 257.50 तक आज जो है कंपनी का प्राइस गया था NSE के ऊपर, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें कि 19.2% का जो है टोटल राइज हुआ है। उसके बाद CMS इन्फो सिस्टम की ट्रेडिंग की बात करूँ तो आज ट्रेड हुआ है विद वॉल्यूम ऑफ 33.9 मिलियन ऑन NSE। तो फ्रेंड्स, आज जो है CMS इन्फो सिस्टम का कंपनी जो है ट्रेड हुई है विद अ वॉल्यूम ऑफ 33.9 मिलियन ऑन NSE पे। इतना वॉल्यूम से जो है आज इसका स्टॉक ट्रेड हुआ है। उसके बाद BSE का देखें तो BSE में 2.14 मिलियन शेयर्स जो है कंपनी के आज ट्रेड हुए हैं BSE के ऊपर, यानी कि हेल्दी मार्केट कंडीशंस एक रीज़न दिया जाए, या फिर कंपनी एक अब स्ट्रॉन्ग कंपनी का फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। तो अब इन्हीं सब के दौरान एनालिस्ट क्या राय दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो एनालिस्ट्स की राय है कि कंपनी के शेयर्स को जो है इन्वेस्टर्स को अब होल्ड करके रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आपकी क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था या नहीं, और अगर किया था तो क्या आप अब इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से देख रहे हैं या नहीं। तो थैंक यू।